Kusum. Poor girl. कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन समझ में नहीं आता अभय ने ऐसे कैसे। निकिता, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, तुम तो अभय को बहुत अच्छी तरह जानती हो। कपिल, ऐसे वक्त में दिल हमेशा दिमाग पे हावी हो जाता है, और अभय तो हमारा अपना है, इसलिए शायद दिल ये बात नहीं मानता। लेकिन कपिल, तुम सोचो कौन सी लड़की इस तरह से झूठ बोल के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। और कपिल, सारे सबूत भी तो अभय के खिलाफ है ना। अरुंधति, तुम तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो। मानो या ना मानो, बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे खानदान को बदनाम करने की। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक है? आखिर इतना घिनौना इल्जाम कौन लगाना चाहेगा अभय पर? किसकी दुश्मनी अभय से इस हद तक हो सकती है? भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें अभय का साथ देना है, इस घर का साथ देना है। पता नहीं, मुझे इन सबूतों का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। And I don't know, हमें इन सबूतों का विश्वास करना चाहिए या नहीं। बस अब ये चर्चा यहीं बंद करते हैं। आप लोग अपना मुंह बंद रखें और परिवार का साथ दीजिए। विश्वास जब टूट कर दोबारा आता है तो वो कभी नहीं टूटता। रिश्ता जब एक बार टूट कर दोबारा जुड़ता है तो वो उम्र भर का रिश्ता होता है। जिस अभय को मैं जानती हूँ, वो अभय ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। अभय अब बदल चुका है। अब जो हमारे बीच रिश्ता बना है उसमें हम खुद से ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं। मैं जानती हूँ कि सारे सबूत अभय के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि कोई साजिश, कोई गलतफहमी जरूर है। कोई अभय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अभय को लेकर आर्यमन की नजरों में समाया हुआ इतना सा शक मेरे इतने से विश्वास से बहुत कम है और बहुत गलत। मेरे अभय पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। साक्षी, एक बार फिर से सोच लो। देखो, अक्सर ऐसे केसेस में लड़कियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, क्योंकि जब तक उन्हें अपनी बातों पर पूरा यकीन ना हो उन्हें अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए। तुम्हें क्या
सचमुच ऐसा ही लगता है। क्या अभय ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? उस दिन तो तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा क्योंकि रूम में अंधेरा था। फिर कैसे कैसे तुमने कह दिया कि वो अभय ही है? तुम्हारा एक बयां अभय की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से अभय तुम्हें इतनी बड़ी सजा देगा? इस घर ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? मान सम्मान इज्जत, तुम्हें अपनाया, अपनी बेटी माना। तुम्हें लगता है कि इस घर का चिराग तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? चुप क्यों हो साक्षी, बोलो, कह दो कि वो अभय नहीं है। वो अभय ही है। भले ही उस आदमी को मैंने नहीं देखा लेकिन सारे सबूत अभय के खिलाफ है। और पार्टी में अभय ने वही सूट पहना था, वो अभय ही था। चुप रहो साक्षी, जब तुमने मेरा चेहरा ही नहीं देखा तब कैसे कह सकते हो कि... बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? वो तुम ही थे ना अभय, वो तुम ही थे। कुसुम, अभय प्लीज संभालो अपने आप को। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने अभय पे इल्जाम लगाकर मेरी कोख पे इल्जाम लगाया है। तुम्हें और अभय में मैंने कभी कोई फर्क नहीं माना, दोनों को बच्चों की तरह प्यार दिया है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे अभय ने... मासी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं साक्षी से भी प्यार करता हूँ। उसे इंसाफ दिलाने का मैंने वायदा किया, उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। अगर आप चाहें भी तो सच को झूठ साबित नहीं करूंगा। लेकिन आने में चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। प्लीज रुक जाओ, जल्दबाजी अच्छी नहीं। तुमने मेरा साथ देने का फैसला किया था, यही है तुम्हारा साथ? कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊं। सच? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरे, रुक जाओ अरे, मुझे ना समझिए, बच जाओ। अरे मन प्लीज, अरे मन रुक जाओ, अरे मन रुक जाओ। देखो आर्य, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कुसुम, मैं जानता हूं कि तुम अभय से प्यार करती हो और इसीलिए उसका साथ दे रही हो। मैं साक्षी से प्यार करता हूं, इसलिए मैं इसका साथ दे रहा हूं। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह। वैसे वादा तो तुमने भी किया था कुसुम कि तुम साक्षी का साथ दोगी, लेकिन अभय का नाम आते ही तुम पीछे हट गई। मैं पीछे नहीं हटी आर्यमन, मैं पीछे नहीं हटी आर्यमन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दोनों के साथ हूं। मेरा यकीन करो, तुम्हारी मदद से हम गुनहगार को पकड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए आर्यमन। कुसुम, तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि तुम अभय से प्यार करती हो। मैं तो यही कहूंगा कि तुम हमेशा उसका साथ देना। मैं साक्षी से प्यार करता हूं, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं आर्यमन, आर्यमन मेरी बात सुनो आर्यमन,
कंप्लेन लिखी है। कोर्ट का बटवा, सब यही कहते हैं कि गुनेगार अभय कपूर। अभय कपूर कपूर इंडस्ट्री का मालिक? जी कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। कौन है जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है? और हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। साक्षी, साक्षी तो माँ की पैशन की बेटी है, कौन हो सकता है? अभय, जितना मैं इसे सोचने और समझने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। इतनी सफाई से ये चाल चली गई, आखिर आपको बदनाम करने से किसका फायदा हो सकता है? भैया भाभी जल्दी नीचे चलिए, पुलिस आई है। बोलिए इंस्पेक्टर, क्या बात है? मिस्टर अभय कपूर, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट। प्लीज, मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आप किस बिना पे उसको लेके जा रहे हो? मैं भी लाता हूं सबूत। इंस्पेक्टर साहब, अभय बिल्कुल निर्दोष है, अभय ने कुछ नहीं किया। आप प्लीज उस गुनेगार को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिसने ये गुनाह किया है। अभय को मत ले जाइए, अभय ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर प्लीज, अभय ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। देखिए मैडम, ये कंप्लेंट इन्होंने दर्ज करवाई। आप ये कहना चाहती हैं कि ये मैडम झूठ बोल रही हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये सारे सबूत बेबुनियाद है, अभय को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये लिखे इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मिस्टर अभय कपूर, ये चीजें आपकी हैं? हाँ, मगर नो मिस्टर कपूर, अगर मगर कुछ नहीं, आपके खिलाफ हमारे पास बहुत से सबूत हैं। हमें सिर्फ सबूतों की ही जरूरत होती है। हाँ, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप केस कर सकते हैं इनपे। आप कुछ करिए, उनको रोकिए प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हेलो सर, सर मैं नितिन कपूर बोल रहा हूं। मेरे बेटे को रेप के केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप तो मेरे बेटे को मेरे जितना ही जानते हैं। देखिए वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, ये उसे फंसाने की साजिश है। देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, हम लोग बात के तह तक पहुंचेंगे। अगर 2 दिन में हम उसे निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो आप बेशक उसे गिरफ्तार कर लीजिए। जी हाँ जी, वो इंस्पेक्टर यही है। इंस्पेक्टर। यस सर। राइट सर, ठीक है सर, हम मिस्टर अभय कपूर को 2 दिन की मोहलत दे देते हैं। मिस्टर अभय कपूर, हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं। देखो भाई, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा।
चिंता मत करो साक्षी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब जानती हूँ आर्यमन, लेकिन लेकिन पैसे से सब खरीदा जा सकता है, इंसाफ भी। और शायद हम ये भूल रहे कि ये पैसे वाले लोग हैं। मुकदमा शुरू होने से पहले ये केस बंद हो जाएगा। इनसे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है आर्यमन, कोई फायदा नहीं है। मैं हार गई आर्यमन, मैं हार गई। नहीं साक्षी, ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। अभी को जरूर सजा होगी, तुम्हारे आर्यमन का वादा है। हो सकता है कि इन दो दिनों में आपकी बेगुनाही का सबूत मिल जाए। नहीं कुसुम, इसके गुनाहों के सारे सबूत बेगुनाही का नहीं, लेकिन ये बात हो सकती है, जिस तरह से आप लोगों ने आज अपना नाम यूज करके पुलिस को रफा दफा कर दिया, उसी तरह से आप लोग बेगुनाही के सबूत भी बनते। बस आर्यमन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ। बदल गए हो तुम। तुम कितनी बदल गई हो कुसुम, तुम कितनी बदल गई हो। जो कुसुम हमेशा सच का साथ देती थी, आज वही कुसुम सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगा। इस देश में आज भी कानून कायम है, मैं तुझे जेल भिजवाने के लिए अदालत जाऊंगा।